संतोष तिवारी, मेरे उबर ड्राइवर है संतोष तिवारी, मैं इनसे कनेक्ट कैसे हुआ? जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो सर एमवे बंटाई का गाना सुन रहे थे कि नागपुर के रेडियो में एमवे का गाना आ रहा है। नहीं सर मेरा खुद का है। तो मैंने फिर इनसे बात की भाई अच्छा एमवे सुनते हो, फिर हमने बात की इधर उधर, फिर इनको मैंने बताया कि भाई मैं भी यूट्यूब पर बनाता हूँ वीडियो, तो अब मैं इनको अपना लिंक दे के जाऊंगा और ये मेरा वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलो था। और ये है जबलपुर के, तो मैंने इनको बताया कि जबलपुर भी एक बार मेरे को जाना है, वहाँ पे घूमना एक बार, ठीक है? बिकॉज टाइम की थोड़ी सी कमी है। हाँ, तो आप क्या प्रोटीन लेते हैं? मैं अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके। तो गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज मैं नागपुर में, ज्यादा टाइम के लिए मैं हूँ नहीं नागपुर में, बट आपको दिखा देता हूँ। दो जगह कवर करूंगा आज मैं, और दो बहुत ही ऐसी अच्छी जगह है। पहली जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये एक मील का पत्थर है जहाँ लिखा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हैदराबाद 485 किलोमीटर। लेकिन जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ वो है मेरे पीछे, दिस इज द जीरो माइल टावर इन नागपुर। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, 1907 में इसका निर्माण हुआ। तो ऐसा बोलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज मानते थे कि ये सेंट्रल इंडिया का सेंटर पॉइंट है। मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये बेस है इस टावर का, ये पूरे हिंदुस्तान का सेंटर है। ऑब्वियसली अभी जैसे रिसर्च हुई थी, तब जो रिसर्च की थी अंग्रेजों ने, इट वॉज कॉल्ड दी टेक्नोमेट्रिकल सर्वे। तो गाइज ये सैंडस्टोन का पिलर है, ये वाला देख सकते हैं, और साथ में इसके तीन चार घोड़े बनाए गए थे। ये जो चार घोड़े हैं ये चार डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये सब देख तो एक ही डायरेक्शन में रहे, अलग अलग मुंह करो यार तुम लोग। पता ही नहीं इनको कुछ यार, इनको पता था एक दिन गौरव से नहीं यहाँ पे आएंगे मुझे डांटेंगे। तो जी हाँ, टेक्नोमेट्रिकल सर्वे हुआ था इंडिया में 1907 में अंग्रेजों द्वारा, और तब अंग्रेजों ने ये पिलर खड़ा किया था। ऐसा बोलते थे कि सारा तो डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीरो माइल टावर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली भी पता लगाया गया है, क्योंकि अब थोड़ा और एडवांस इक्विपमेंट्स हो गए हैं कि भाई ये जीरो माइल टावर नहीं है, डिस्टेंस है अलग अलग, बट हाँ सिग्निफिकेंस इसका अभी भी है नागपुर में ये सिचुएटेड है। क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्लान नहीं था, मैंने देखा था, बट किसी ने मुझे कहा कि सर आप जाओ यहाँ देख के आओ। सो गाइस जो डिफरेंट डिफरेंट जगह है, देखिए उनका डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, चिंदनवारा 83 माइल, टू बैतूल 101 माइल, और हैदराबाद है 318 माइल, रायपुर 174 माइल, जबलपुर 170 माइल। ये प्रूफ करता है कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, क्योंकि ये जबलपुर को जबलपोर लिखा हुआ है। कानपुर का नाम भी पहले कैनपोर था, क्योंकि अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, बाद में उसको चेंज करा गया। रायपुर का नाम भी रायपोर लिखा हुआ है, RAIPOR। सो अंग्रेज इसको डिस्टेंस नापने के लिए जो है यूज करते थे, तो अभी बस ये निशानी रह गई है। जो मील का पत्थर है यहाँ लिखा हुआ है जीरो, दैट सिग्निफाइज दिस इज अ जीरो माइलस्टोन। देवी सज्जनों नमस्कार। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें अपने ब्लॉग को बीच में एक ब्रेक देना पड़ा, विश्राम देना पड़ा। खत्म नहीं हुआ है, पूरा करेंगे, लेकिन ब्रेक देने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि देखो दोस्तों लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आपने रोकने की कोशिश की तो वो छेदा फाड़ के बाहर आ जाती है। आप सब समझ गए होंगे। गाइस वी आर डन। मेरी चेहरे की खुशी देख के आप समझ सकते हैं कितना खुशी में। और मैंने ये भी सोचा कि गौरव 300 रुपए की ऊपर कर ले ज्यादा अच्छा है, 3000 की जीन्स खराब होगी उसमें ज्यादा फटका पड़ेगा। सो एनीवेज नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट प्लेस, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्लेस है। वाई? बिकॉज जिन लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे इंस्टाग्राम में, उनको पता होगा कि मेरे को बचपन से दो शौक थे, एक पायलट बनने का, दूसरा लोग को पायलट बनने का। बेसिकली मुझे रेलवे से बहुत ज्यादा लगाव है, रेलवे से और रेलवे ट्रैक से। मुझे याद है कानपुर में घूमती नंबर 5 में एक मेरे रिश्तेदार थे, उनका घर था, उनके घर के पीछे रेलवे ट्रैक निकलता था। मैं सारा दिन उनके घर पे बैठा रहता था, पीछे नैरो गेज था, और वहां से ट्रेन को निकलते हुए दिखता था। और मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेशन था कि वो जब डायमंड क्रॉसिंग आती है, जब ऐसे ऐसे जब क्रॉस करती है तो वो कैसे होती है, उनके पहिए इंटरचेंज कैसे होते हैं, रेलवे ट्रैक कैसे चेंज करती है, मेरे को इस पर बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाता हूँ कि वो जगह है का, और खुद भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही देखनी थी, क्योंकि आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग बिकॉज मैं रूम पे आ गया ना। मीट ड्राइवर, चलो भाई लेट्स गो एंड मीट हिम। एक बात और, जब मैं बम गिरा रहा था तो ऐसे फंस गया था, तो बेसिकली मेरे रूम का डोर खुला हुआ था, जो कि मैंने बाद में रियलाइज किया। तो बेसिकली जब मैं परफॉर्मेंस दे रहा था बैठ के, डोर खुला हुआ था। यही एक काम बाकी रह गया था जिंदगी में, बोलना मत किसी को। बस नागपुर के बारे में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा सुथरा है, मतलब संभला हुआ ट्रैफिक है। आज दिल्ली में अगर आप 9:30 बजे अभी इस समय निकलेंगे आप, तो आप भूल जाइए कि आप कहीं पहुँच सकते हैं एक घंटे से ज़्यादा आपको। अच्छा, हम पहुँच चुके हैं अपनी रेलवे क्रॉसिंग पे, डायमंड क्रॉसिंग पे। जो रेलवे स्टेशन है वो उस तरफ पड़ता है,
ये देखिए सारे ट्रैक्स आ रहे हैं यहाँ पे। मुझे रेलवे ट्रैक से इतना ज्यादा फैसिनेशन, मन करता है लेट जाओ यहाँ पे, मजाक कर रहा हूँ। तो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में गैप है इसके, ये जो पहिया होता है रेलवे का अंदर की ओर गढ़ा होता है ऐसे, और बाहर से उतना नहीं गढ़ा होता, तो ट्रैक को पकड़ के चलता है ये। तो गाइस ये जो देख रहे हैं आप, ये दो रेलवे ट्रैक्स, एक यहाँ एक यहाँ, ये मर्ज हो रहा के, इस चीज को बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। ये बहुत ही रेगुलर है, लेकिन अब मैं आपको जहाँ लेके चल रहा हूँ वो है डबल डायमंड क्रॉसिंग, और इंडिया में सिर्फ एक है, वो नागपुर में। यू सी दैट व्हाइट हाउस, वी हैव टू गो ओवर देयर। क्या नाम है आप लोगों का? हमारा नाम डायमंड है, ट्रैक मेंटेनर लोग हैं जी हां। अच्छा, मेरे को थोड़ा ये जो डबल डायमंड क्रॉसिंग है इसके बारे में थोड़ा बताइए। दोनों तरफ से रेल चलती है, चारों तरफ रेल चलती है। इंडिया में एकमात्र डायमंड है। इंडिया में कह रहे दो, आप कह रहे हैं क्या? नहीं, दिल्ली में, भुसावल में एक है, लेकिन ये बोलते हैं ज्यादा फेमस है नागपुर। ये बहुत पुराना और पहला है। ये जो है यहाँ से गाड़ी जो है वो चारों दिशा में जाती है, चारों दिशा में जाती है, चारों दिशा में। तो देवचंद जी ने बताया, अभी हम वहाँ जाके दिखाएंगे आपको डबल डायमंड कैसा होता है। ये फोटो खींचेंगे ना, आप लोग दिखा भी दीजिएगा, आ जाइए। चलो चलो चलो, दो मिनट के लिए। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। लोग है रेलवे के एम्प्लॉइज है, यहाँ काम कर रहे थे और मेरे हाथ में कैमरा देखा तो उन्होंने कहा सर आपको दिखा के आते हैं। हमने कहा चल गए सर, मजे आते हैं, यलगार हो। तो जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पे सारी रेलवे मिलती है, यहाँ के नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे आके सबका मिश्रण होता है। अब मुझे पता है कुछ लोग यूट्यूब में बोलेंगे कि गूगल में ऐसा लिखा है कि सारी नहीं मिलती, तीन मिलती है यहाँ के। ठीक है, डिबेटेबल है, इंजॉय करो। ओह कितना सुंदर है ये। सो गाइस, ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है, ये देखिए ऐसी। इसका मेंटेनेंस क्या कुछ एक्स्ट्रा लगता है इसमें? कैसा इसका मेंटेनेंस होता है? रेगुलर मेंटेनेंस डेली है। अच्छा, तो ये वाला ट्रैक थोड़ा सा कटा हुआ है ना, तो पहिया ऐसे अंदर आता है, जाता है, इसलिए डैमेज। हाँ, ये देखिए डैमेज भी हो गया ना, पहिया चेंज करना पड़ता कुछ दिन, मतलब कितना। अच्छा, इसको ट्रक को चेंज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ेगा, खाचा बढ़ते जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने दिनों में चेंज करते हैं सर? ये मेरे ख्याल से 6 महीने या साल भर में तो चेंज करना। तो सारी जांच है, देखिए यहाँ पे भी काटा पड़ा हुआ। वो जंप कर दिया ना सर? हाँ, ट्रेन पहिया जंप करता है ना, हाँ। तो गाड़ी का भार इतना होता है कि लोहा काट देता है, बताओ? काट देता नहीं, हावड़ा के लिए जाता। अच्छा, ये साइड जो है हावड़ा जाएगा? हाँ, दिल्ली। अरे दिल्ली, तो मैं पकड़ लेता हूँ, दिल्ली जाना मेरे को। अच्छा, उस साइड बॉम्बे, फिर ये वाला। अच्छा, सेवाग्राम से होते हुए वो साउथ में जाता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ का गाड़ी चलता है ना सब, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट सब तरफ। तो इसको डबल डायमंड बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे डायमंड बना हुआ है गाइस। ये देखिए, एक डायमंड ये, एक उधर बना डायमंड, एक वो डायमंड, एक ये डायमंड, डबल डायमंड पटरी है ना। 9, 10, 11, 12 है, 9, 10, 11, 12। कितने प्यारे लोग हैं यार, मजा आ गया। ये थैंक यू। सो गाइस, ये देखिए ये डबल डायमंड क्रॉसिंग है। आपका नाम क्या है? सीताराम। सीताराम जी, थैंक यू सर। एक बताइए, यहाँ पे लाल सफेद ऐसा रंग क्यों करके रखा? कोई लोग देखने आते हैं ना, हाँ। तो DNA बोले थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि सर मैं बहुत दूर से देखना है उसको। वो दूर दूर से आते हैं लोग, एशिया खंडे में यही एक है, पूरे एशिया में एक है, एशिया में, पूरे एशिया में एक ही है, बता रहे मेरे को सीताराम जी, यहाँ पे काम करते हैं रेलवे में। तो सर बता रहे अभी विदर्भ एक्सप्रेस छूटेगी नागपुर, तो मैंने फोटो देखा था कि यार सिर्फ नागपुर में डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा रेलवे यहाँ मिलता है। आज मैं देखने आ गया, थैंक्स टू यूट्यूबर आप लोग की बदौलत। जमाने का ये कैबिन जो जहाँ अंग्रेजी जमाने का, दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो नागपुर होकर निकलेंगे, उधर मुंबई से हावड़ा जाएंगे नागपुर, चारों तरफ की गाड़ी यहीं से निकलेगी। तो बेसिकली इसीलिए ये मेन पॉइंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट करता है। गाइस, आप देख सकते हैं कैसे वो जो बीच में ट्रैक है कैसे दब रहा है वो, ये देखिए भाई लोगों, ये थी डबल डायमंड क्रॉसिंग। आप क्या करने जा रहे हैं इसे? मैं अभी पतंग वतंग है ना। अच्छा, रेलवे में फंस जाता है लाइन में ऊपर।
यहाँ से आपको ऑटो वाला यहाँ से छोड़ देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, है ना, ठीक है, चलिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो गाइज ये थी डायमंड क्रॉसिंग नागपुर की, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थोड़े रेलवे अधिकारी आ गए थे बट मैंने उनको बताया कि मैं कौन हूँ क्या करता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, बट बनता है इनका बिकॉज सिक्योरिटी परम होती है। कभी कभी ऐसे अराजक तत्व भी आ जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसे लोग आएँ अब उनके साथ सहयोग करें और उनको पूरा गुस्सा मत होए क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं। बस मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, मेरा मन तो था कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का बट मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है। आई होप आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और अगर मज़ा आया हो तो लाइक बटन ठोक दीजिएगा, लगेगा मेहनत सफल हो गई। ओ मेरा चिकलू, ओ मेरा लंच भरी, आज रात को पहुंच जाऊंगा 9:30 बजे। बिजनेस क्लास, हमेशा हमने साइंस क्लास अटेंड की है, बिजनेस वाले लोग ही नहीं हम। लेट्स गो गाइस, हम हो चुके हैं तैयार, हम मतलब मैं आप नहीं, अब यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली नागपुर, दिल्ली दिल्ली से फिर पेरिस और रोम, पेरिस रोम से मेरा मतलब है पटना और रांची, वापस दिल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इस व्लॉग को एक बहुत थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, प्रोत्साहन दीजिए, और भाई अगला व्लॉग अपना बहुत हार्ड आने वाला है, ठीक है, बहुत हार्ड, सी वो लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब भी।